आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और गोभी की सब्जी बहुत ही सिंपल तरीके से। और इसके लिए हमने आलू ले लिया है 1 किलो और गोभी ले ली है 1/2 किलो, उसको काट लिया है। साथ ही प्याज हमारे पास है 1 बड़े साइज की, अगर छोटी हो तो आप 2 ले लें। लहसुन का पेस्ट हमने लिया है 1.5 टेबल स्पून, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, 6 से 7 सब्ज मिर्चें हमने बारीक काट ली हैं, टमाटर 2 अदद, इसके छिलके उतार लिए हैं और इसको पेस्ट बना लिया है, प्यूरी बना ली है। और खुशक मसालों में लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास 1.5 टीस्पून और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, खुशक धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून। 1/2 कप तेल में हमने प्याज को कर लेना है हल्का गोल्डन। हल्का गोल्डन प्याज करने के लिए हमने इसको पूरा टाइम मीडियम लो आग पे पकाना है ताकि प्याज अंदर तक अच्छी तरह कुक हो जाए। छोटी छोटी चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपकी आपका सालन बहुत मज़ेदार बनता है। तो ये आप देखें थोड़ा सा पकना शुरू हो चुका है, प्याज हमारा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हमने डाल दिया है लहसुन का पेस्ट, इसको लहसुन और अदरक का पेस्ट हमने तब तक पकाना है जब तक इसकी खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती। जब इसकी खुशबू आना शुरू हो जाती है तो इसका मतलब है कि ये पक चुका है, इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो ये लहसुन और अदरक को हमने डाल के दोनों को तकरीबन 1/2 मिनट हमने पकाया है, तो इसके बाद इसका कच्चापन ख़त्म हो गया और उसके साथ ही हमने बाकी चीज़ें शामिल करनी है। तो अब जैसे ही लहसुन और अदरक की खुशबू आना शुरू हो गई है तो हमने पूरे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं खुशक, और इनको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और ध्यान रखना है कि जलने ना पाएं, और जैसे ही थोड़े से पक जाएं तो हमने टमाटर प्यूरी डाल दी है ताकि इनकी मज़ीद कुकिंग जो है वो रुक जाए और जलने की तरफ नहीं जाएं। तो इसको प्याज टमाटर को 2 मिनट पकाया है और उसके बाद हमने सब्ज़ मिर्ची शामिल कर दी हैं और इसको अब थोड़ा सा पानी लगा दिया है ताकि ये जले नहीं हमारा मसाला। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि मसाले को जलना नहीं चाहिए। तो अब हमने जब ऑयल ऊपर आ चुका है, इसकी भुनाई हो चुकी है, तो हमने डाल दिया है आलू। यहाँ पे हमने कोई 5-7 मिनट के लिए इसको भूना था तब ऑयल ऊपर आया है। आलू को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और पूरी तरह मिक्स करके तो इसमें हमने गोभी शामिल कर देनी है, और ये दोनों चीज़ें धो के रखी हुई हैं काट के। और आपने बस इसका बेहतरीन तरीका इसका ये है कि आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद 2 से 3 मिनट आपने तेज़ आग रखनी है ताकि ये सब्ज़ी हमारी पूरी अच्छी तरह से गर्म हो जाए। उसके बाद हमने ढाँप देना है और बिल्कुल हल्की आंच कर देनी है। अपना पानी ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करती है, उसी में पकती है, यही इसका टेस्ट इसी से निकलेगा। आपने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, अगर हम सब्ज़ी में एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो उसका इतना टेस्ट अच्छा नहीं निकल के आता। तो आप बस इसकी बेहतरीन टिप ये है कि आप हल्की आंच पे इसको रखें और बार बार बीच में कोई 2-4 मिनट के बाद चेक करते रहें ताकि ये नीचे ना लगने पाए, आंच हल्की रखें। और ये इस स्टेज पे बिल्कुल तैयार हो चुकी है हमारा सब्जी का सालन। इसको भी हम डिश आउट करेंगे, ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये सब्ज़ी पसंद आएगी। रेसिपी अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबाइएगा, और ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलेगा। अल्लाह हाफिज़।